विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को गांव बिड़ाईखेड़ा में आयोजित किए जाने वाले मधुर मिलन समारोह के माध्यम से अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली गांव बिड़ाईखेड़ा में समारोह स्थल का जायजा लेने के दौरान अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने डीसी जगदीश शर्मा व पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के साथ समारोह स्थल पर व पार्किंग स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पंचायतों का गठन होने के बाद उन्होंने जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश सहित जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए थे। उन सुझाव पर सरकार ने गौर किया और उनको अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। प्रदेश के हित में कोई भी पंचायत प्रतिनिधि अपने रचनात्मक सुझाव इस मिलन समारोह में पहले या मिलन समारोह में अथवा बाद में भी दे सकते हैं। यदि कोई ऐसा सुझाव जनहित या प्रदेश में विकास के लिए आता है तो उस पर जरूर अमल किया जाएगा और यदि नई व्यवस्था में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत हुई तो संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ वे स्वयं भी जनता के प्रतिनिधि हैं और एक तरह से जनता के हितों के पहरेदार हैं। उन्होंने कहा कि गांवों का समग्र विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से पंचायत प्रतिनिधि पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित होंगे। गांवों के विकास कार्यों में तेजी आएगी और गुणवत्ता पूर्वक विकास कार्य होंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मधुर मिलन समारोह प्रगति रैली के सभा स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मधुर मिलन समारोह प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला सहित हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।